गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालती है, अर्थात ये भी एक डक्टलेस ग्लैंड है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड देखिए, अपनी जो श्वास नली है ट्रेकिया, इस ट्रेकिया यानी श्वास गर्दन जो नेक है, इसके जो रूट है उसमें ट्रेकिया के दोनों तरफ बाइलोब्ड एक स्ट्रक्चर होती है, दो पालीयुक्त स्ट्रक्चर होती है जो इस्थमस नामक एक संयोजन पट्टी के द्वारा जुड़ी होती है। देखिए, जैसे ये ट्रेकिया है, अपने जो कंठ होते हैं, कंठों के नीचे ट्रेकिया के दोनों तरफ बाइलोब्ड दो पालीयुक्त संरचना जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर है। और ये बीच में जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं इस्थमस, ये लेफ्ट लोब है ऑफ थायराइड ग्लैंड और ये राइट लोब है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में इसकी साइज बड़ी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की, इसकी औतिकी की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके औतिकी में हमें पता लगता है कि इसके अगर हम सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन में हमें ऐसे फोलिकल्स नजर आते हैं। ऐसे फोलिकल्स नजर आएंगे, देखो थायराइड ग्लैंड फोलिकल्स से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? क्लोज्ड फोलिकल्स जो कि क्यूबोइडियल सेल्स से मिलकर, क्यूबोइडियल सेल्स से लाइन रहता है जिन्हें फोलिकुलर सेल्स बोलते हैं। जैसे एक फोलिकल है, इसके अंदर काफी सारी ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है। जिन्हें हम फोलिकुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोलिकुलर सेल्स। और इसमें इन सेल्स के बीच के अंदर थायरोग्लोबुलिन एक कोलाइडल फॉर्म में एक लिक्विड फिल रहता है जिसे क्या बोलते हैं? थायरोग्लोबुलिन, जिसका सिक्रेशन कौन करता है? ये फोलिकुलर सेल्स। ऐसे काफी सारे ये फोलिकल्स, एक ये फोलिकल्स हो गया, दूसरा फोलिकल्स ये है जिसमें फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक ही हो गया, ऐसे काफी सारे फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर काफी कई फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनके बीच के अंदर सेंट्रल पोर्शन के अंदर, इस सेंट्रल पोर्शन के अंदर थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स होता है, लिक्विड फॉर्म है, कोलाइडल फॉर्म है ये, ठीक है, जिसका सिक्रेशन कौन करता है? ये फोलिकुलर सेल्स। अब इन फोलिकल्स के बीच में ऐसे पैराफोलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती है। इन फोलिकल्स के बीच बीच में इन्हें क्या बोलते हैं? पैरा फोलिकुलर सेल्स।
ठीक है। अतः हम कह सकते हैं देखिए कि थायराइड ग्लैंड मनुष्य के अंदर जो नेक होती है, जो गर्दन होती है, उसकी जो रूट होती है, उस रूट के अंदर, रूट पर, रूट के ऊपर गर्द ट्रेकिया के दोनों तरफ जो श्वास नली है, जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं, श्वास नली के दोनों तरफ बाइलोब स्ट्रक्चर होती है और दोनों लोब एक इस्थमस नामक तंतु के, यानी एक पट्टी होती है, संयोजन पट्टी होती है, उसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। इसका अगर हम हिस्टोलॉजी की स्टडी करें, इसके अगर हम काट काट कर अगर हम इसकी स्टडी करें गहन से, तो हमें पता लगता है कि इसकी जो संरचना होती है वो काफी सारे फॉलिकल्स से क्लोज रहती है, काफी सारे फॉलिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो कि अंदर लाइंड रहती है और इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच के अंदर जगह रहती है, उसके अंदर थायरोग्लोबुलिन नामक मैट्रिक्स यानी फ्लूड यानी जो लिक्विड होता है वो भरा रहता है कोलाइडल फॉर्म के अंदर। इसके अलावा इन फॉलिकल्स के बीच में जो जगह होती है उनके बीच में पैरा फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। अब देखिए इन पैरा फॉलिकुलर सेल्स का काम है कैल्शियम यानी ये अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती है और ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। अब देखिए हम इसके द्वारा जो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए थायराइड ग्लैंड तीन प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है, पहला है T3, दूसरा है T4 और तीसरा है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब हम फर्स्ट के बात करते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया। फर्स्ट है T3, सेकेंड हार्मोन है T4, थर्ड हार्मोन है कैल्सिटोनिन। T3 और T4 का जो सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन होता है मुख्यतया फॉलिकुलर सेल्स इसका सिक्रेशन करती है। कौन सिक्रेशन करती है? फॉलिकुलर सेल्स। जबकि कैल्सिटोनिन है उसका सिक्रेशन किया जाता है वो है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा फॉलिकुलर सेल्स T3 को हम ट्राई आयडो थायरोनाइन कहते हैं, T4 को हम टेट्रा आयडो थायरोनाइन कहते हैं, T4 को थायरोक्सिन हार्मोन भी बोल सकते हैं। T4 को कौन सा हार्मोन बोल सकते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर हम इसकी पूरी की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि थायराइड ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ तीन हार्मोन सिक्रेट करती है। उन तीनों हार्मोनों के नाम है T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। T3 और T4, T3 को बोलते हैं ट्राई आयडो थायरोनाइन। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई आयडो थायरोनाइन, यानी इसमें तीन आयोडीन है। जबकि T4 को बोलते हैं टेट्रा आयडो थायरोनाइन, इसमें कितने आयोडीन है? चार आयोडीन है और टायरोसिन नामक एमिनो एसिड है, ठीक है। और इन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन कौन करती है? फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल्स इसका सिक्रेशन करती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन कौन करती है? पैरा फॉलिकुलर सेल्स, जो फॉलिकल्स के बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स, और वो मुख्य रूप से इसका सिक्रेशन करती है, कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करती है।
ठीक है। हम T4 हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। अब हम इसका अगर सिंथेसाइज देखते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, मुख्य रूप से इसमें थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण सिंथेसाइज कहां से होता है? देखो, कोई भी मनुष्य जो भोजन लेता है उस भोजन के अंदर आयोडीन होता है और आयोडीन को वो अपनी डाइट में लेता है, तो जैसे ही भोजन नलिका जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में जाता है, जीआई ट्रैक्ट में जाता है, तो वहां से आयोडीन को आयोडाइड फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और आयोडीन हमें हमारे जो साल्ट होता है, नमक होता है, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से जो टायरोसिन है, दूसरा कौन सा है, टायरोसिन है, वो टायरोसिन मुख्य रूप से हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसको भी जीआई ट्रैक्ट के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो आगे चलकर थायराइड ग्लैंड में जाकर T3 और T4 हार्मोन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। देखो, बॉडी पर दो मुख्य रूप से इफेक्ट डालते हैं, दो मेजर इफेक्ट हैं जो थायराइड हार्मोन होते हैं बॉडी पर, मुख्य रूप से दो मेजर इफेक्ट डालते हैं। यानी बॉडी के अंदर ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। फर्स्ट है बेसल मेटाबॉलिक रेट, पहला जो है उसको हम स्टडी करते हैं। देखिए, पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको इंक्रीज करने का काम करता है। क्या काम करता है? इंक्रीज करने का कार्य करता है। दूसरा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, किस पर? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर। यानी अगर हम देखते हैं
स्पेशली द प्रोटीन ये थायराइड हार्मोन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इन सेल्स. प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने का कार्य करता है सेल्स, यानी कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसकी दर को बढ़ाने का कार्य करता है ये थायराइड हार्मोन. ठीक है, ग्रोथ देखें, अगर थायरोक्सिन हार्मोन है अगर इसकी मात्रा कम सिक्रेट होती है तो बच्चों के अंदर ग्रोथ क्या हो जाती है कम हो जाती है, और अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा सिक्रेट होती है तो बच्चों की ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, बॉडी वेट पे देखिए, अगर मनुष्य का अगर बॉडी वेट देखते हैं तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन की यानी देखो बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन है. अगर थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा अगर इसके सिक्रेशन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली ही बॉडी का जो वेट है वो डिक्रीज हो जाता है. क्या हो जाता है, बॉडी वेट डिक्रीज हो जाता है. और अगर इस हार्मोन की का सिक्रेशन अगर कम होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वेट लॉस होगा, वेट क्या होगा बढ़ेगा, कंज्यूम होगा, एक तरह से आगे बढ़ेगा, कंज्यूम भी नहीं कर सकते इसको, एक तरह से देखते हैं कि अगर वेट बढ़ेगा अगर इसका सिक्रेशन बढ़ रहा है थायराइड हार्मोन का यानी थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ही हमारी बॉडी का वेट होगा वो क्या हो जाएगा. देखिए थायरोक्सिन एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, इंक्रीज द थायरोक्सिन हार्मोन डिक्रीज द बॉडी वेट, डिक्रीज द बॉडी वेट, इसका बढ़ने से बॉडी का वेट डिक्रीज होता है. ठीक है, अगर इसका सिक्रेशन घटता है तो बॉडी का वेट बढ़ जाता है, समझ गए. ठीक है, उसके अलावा देखो इफेक्ट ऑन ब्लड, देखो थायरोक्सिन हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का कार्य करता है. ठीक है, ये तो हो गया अपने टीथ यानी थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में स्टडी. नेक्स्ट क्लास में हम कैल्सिटोनिन और जो भी अदर इसकी जो एक्टिविटीज हैं इसको कंट्रोल कौन करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. आज के लिए इतना ही.